अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैप चार्ट बना के दिखाऊंगा। ये चार्ट आई थिंक सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 एंड अबव में है, शायद उससे नीचे नहीं, बट आई एम नॉट श्योर। मेरा मेरा वो मेमोरी कह रही कि 365 एंड अबव में है, या 29 एंड अबव में है, 2019 या अबव में, या 365 एंड अबव में है। और ये चार्ट जो है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा इसके लिए आपका इंटरनेट चल रहा होना चाहिए, तो ये मैप जो चार्ट है ना, वो सही से काम करते हैं। अच्छा, मैप चार्ट है जी। अच्छा, नॉर्मली जब आप इसको चार्ट को बनाएंगे ना, जैसे बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरह इम्पोर्ट करेंगे, इसमें डाटा डालेंगे, तो ये बनेगा नहीं। वो आपको ना इसके ऊपर एरर सा दे रहा होगा कि इसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स में मसला होगा। जनरली वो इस तरह से करते हैं, तो वो आपने कैसे ठीक करना है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने फाइल में जाने आपने यहाँ से फाइल में ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में जाने आपने, यहाँ भी आपके सामने वो ऑप्शंस ओपन होंगे, तो वहां जाके इसकी सेटिंग को इनेबल करना पड़ता है। वरना ये जो कुछ अभी मैं करने लगा हूँ ना इसके साथ, वो आपको नॉर्मली वो करने नहीं देता। अच्छा, आई थिंक सो इट वॉज इन रीजनल सेटिंग, आई गेस, नो नॉट इन रीजनल क्यूरी, नॉट इन डायरेक्ट सिक्योरिटी, यस सिक्योरिटी। और ये जो ऑप्शन है ना, ये नॉर्मली जो है वो डिसेबल हुआ होता है। मैं अब इसको डिसेबल करता हूँ तो आपको पता चलेगा कैसे आ रहा होता है। अच्छा, मैं बिल्कुल मैप चार्ट को ओपन करता हूँ, हाँ ये बन गया जी। अब मैं डाटा डालता हूँ, बिल्कुल इसमें रीजन वाइज जो है ना वो डाटा डालता हूँ। इट्स नॉट पिकिंग, ना ये डेटा पिक नहीं कर रहा है, रीजन वाइज है, मैं स्टेट वाइज डालता हूँ। अच्छा, मेरा चूंकि वो इनेबल हुआ हुआ है पहले से, तो इसलिए मैं जब रीस्टार्ट करूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मली आप लोगों का ना यहाँ पे डिसेबल हुआ होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आता नहीं है सिक्योरिटी सेटिंग्स की वजह से, तो आपको जाकर ना इसे इनेबल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी में जाके यहाँ से आपको इनेबल जो है वो करना पड़ेगा, तो आपका ये चलेगा। उसके बाद फिर जिस तरह से भी मैं इसको चार्ट को बनाऊंगा, वो चार्ट जो है ना ऐसे आपने बनाना है। अच्छा जी, तो जब आप इसको ओपन करोगे ना, मैं अभी दोबारा से इसको बनाता हूँ, तो अपनी सेटिंग्स को आप अपडेट करके यहाँ पे आओगे ना, तो आप ये मैप्स चार्ट को ओपन करोगे ऐसे, ये मैप्स चार्ट जो है वो ओपन हो गया। अब इसमें आप लोकेशन वाइज जो डाटा है ना उसका एनालिसिस कर सकते हो। जैसे अब मिसाल के तौर पे मेरे पास स्टेट्स का डाटा है ना, तो मैं लोकेशन में डालता हूँ स्टेट्स, ऑटोमेटिकली जो भी जिस भी चीज जगह की मैंने कंट्री की लोकेशन डाली होगी ना, उसको यहाँ पे ये उठा लेगा, राइट। जिस तरह आपके सामने इसने, मैंने चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा तो डाला है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के इसने इलाके उठा लिए। अच्छा, उसमें भी इसने जिस जिस स्टेट का डाटा आ रहा है उसको इसने हाईलाइट कर दिया, राइट। अब ये इसको हम फर्दर थोड़ा सा वो करते हैं, फर्दर इसमें डाटा डालेंगे ना, तो ये आपको फर्दर समझ आ जाएगा कि कैसे काम करें। अच्छा, इसमें आप दो ऑप्शन, मैं इसके अंदर भी जूम कर सकता हूँ तो इसके बाहर भी जूम कर सकता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा, इसके बाद मैं डालता हूँ मिसाल के तौर पे सेल्स, लेजेंड्स में एटीट्यूड सेल्स के। अच्छा जी, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे जो बबल साइज मैंने क्या डाल दिया, सम ऑफ सेल्स। अच्छा, अब ये जो जहाँ आपको बड़ा साइज नजर आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे सेल्स क्या है, ज्यादा है, राइट। बबल साइज में मैंने क्या डाल दिया, ये सेल्स। अच्छा, अब ये सेल्स के बाद मैं डालता हूँ ये रीजन। हाँ, अब देखें, अब ये इसने रीजन वाइज जो है ना वो ब्रेकअप बनाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। ये आपके पास फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा का साउथ रीजन है, उसमें स्टेट फ्लोरिडा है, और उसके अंदर सम ऑफ सेल्स जो है वो आपके सामने इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद टूल टिप में मैं डालता हूँ जी प्रॉफिट। अच्छा जी, अब ये और इंटरेस्टिंग हो गया, अब ये चारों चीजें जो है ना वो इकट्ठी आपके सामने आ गई। रीजन भी आ गया है, आपकी जो सेल्स है वो भी आ गई है, जो आपका स्टेट है वो भी आ गई, और जो प्रॉफिट है वो भी आ गया,
ठीक है जी, ये इस तरह आप रीजन वाइज जो है ना वो एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज, प्रोडक्ट कैटेगरी को भी आप डाल सकते हैं। रिमूवेबल के किधर के डाल रहे इसे, अपनी सी या वो शायद फील्ड मैप में आएगा, बट नहीं यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है जी, इसमें आप प्रोडक्ट कैटेगरी को भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप जो है ना इसको यूज कर सकते हो। ये देखो अभी सारे का सारा जो है ना इसने कनेक्ट कर दिया और बता दिया जी कि कौन से इलाके में हमारी कहाँ पे क्या सेल्स है। तो इस तरह का एनालिसिस चाहिए होगा ना, जाहिर है सेल्स टीम को चाहिए होता है कि यार हमारी कौन से इलाके में सेल्स ज्यादा है, कौन से में कम है, तो वो अपना जो है ना वो मामला इस तरह से देख रहे होते हैं, राइट। इसको उठा के अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ज्यादा बेहतर आ जाएगा पूल टेप में। अब देखना जी, ये देखिए थोड़ा कैटेगरी वाइज भी एनालिसिस। ठीक है जी, तो ये मैप चार्ट जो है वो इस तरह से बनता है, इंटरेस्टिंग चार्ट है। अच्छा, इसकी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो जैसे बाकी चार्ट्स की है। मैप की सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं जी। ये इसमें ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी, आप इसका मैप को इस तरह से बना सकते हो। एरियल व्यू है, डार्क व्यू है, ठीक है जी, लाइट व्यू है, उसके अलावा ग्रे स्केल व्यू है और रोड व्यू है। ठीक है, मैप्स की आप ये मल्टीपल किस्म की सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल्स में ऑटो जूम है जो मैंने आपको अभी करके दिखाया है। जूम के बटन यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो चार्ट के ऊपर, जूम करना है वो। ये देखो, ये नॉर्मली आपने देखा है ना वेबसाइट्स जब आप ओपन करते हो तो आपको एक जूम का चार्ट लोकेशन होती है वहां पे, जूम का चार्ट, वो ये पावर बी से ऐसे बनता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी, जो जो स्टेट्स आप लाइव स्टेट्स देख रहे होते हो डैशबोर्ड्स पे, उसमें जूम करते हो तो आपको मल्टीपल किस्म के वो या लोकेशन दिखा रहा होता है या चीजों के अंदर, तो वो ये जूम का बटन यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से आप करके ना लोकेशन वाइज जो है वो एनालिसिस कर सकते हो। तो अब आप खुद इमेजिन करो कि ये सारे चार्ट अगर इकट्ठे बने हो, राइट, सारे चार्ट अगर इकट्ठे बने हो तो उसमें आप पैरेलल भी देख सकते हो, फिर उसके रीजन वाइज भी। अभी मैं हम जा आगे चल के बनाएंगे, जब फिल्टर लगाएंगे ना तो हम देखेंगे कि हम एक फिल्टर लगाएंगे तो उसके सारे चार्ट्स में आपको उसका एनालिसिस नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, लेसो बटन है, ये फोटोशॉप जिस बंदे को थोड़ी बहुत आती है इस्तेमाल करना उसको पता होगा कि ये कैसे ऑपरेट करता है। इसको फिलहाल ये देखो, यहाँ सामने इनेबल भी हो गया। ठीक है जी, ये राइट। अच्छा जी, उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं जी, मैप सेटिंग्स हमने कर ली, लेजेंड्स आपको करने आते हैं, कंट्रोल्स भी हमने कर लिए जी, जियो कोडिंग कल्चर, ये हाँ, ये जो आपने लैंग्वेज जो सेलेक्ट करनी है वो आ सकती है। अच्छा, लेजेंड्स आप कर सकते हो जी, जो भी आपने रखने हैं। बबल्स, बबल्स का साइज यहाँ से चेंज हो सकता है जी, बबल्स का साइज अगर आपने बड़ा करना है तो आ सकते हैं, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, राइट, जो भी आपने साइज रखना है वो यहाँ से हो जाएगा। उसके अलावा लेजेंड्स भी हो गए, बबल साइज भी, और कैटेगरी लेबल्स जी। ठीक है जी, ये आपके पास सारा जो है ना वो हो गए, कौन से इलाके पर आपने प्रेजेंटेशन देनी, कि कौन से स्टेट को देख रहे हैं, तो वो स्टेट वाइज भी आप इसके ऊपर चीजें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टीज में तो कुछ भी इतना खास नहीं, लाइक में बैकग्राउंड, हाँ उसमें आप कस्टम बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो चार्ट में, और हेडर आइकॉन, सब टाइटल का इसमें ऑप्शन होना चाहिए, टाइटल का है ये, है सब टाइटल का भी। ठीक है, ये नीचे आप इसको इस तरह से बाय स्टेट उसको आप एडिट भी कर सकते हो, डिवाइडर भी लगा सकते हो। तो जो भी स्टैंडर्ड आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना चार्ट्स के, वो सारे आप इस मैप चार्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो अब ये पूरा का पूरा हमारा मैप चार्ट तैयार हो गया है, जिसके अंदर हम एक तो किसी खास एरिया में जूम कर सकते हैं, फिर नंबर ऑफ स्टेट्स को हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस इलाके को अगर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो सिर्फ पर्टिकुलरली इस इलाके की स्टेट्स जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, तो इस तरह से जो है वो मामला बनता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह हमारे पास अब
इसके बाद जो आखिरी सबसे आखिरी चार्ट रह गया है वो चार्ट है हमारा दिस फील्ड मैप चार्ट। तो इसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करते हैं और उसके बाद हमारे चार्ट्स जो है ना वो कवर हो जाएंगे, देन वी विल मूव ऑनवर्ड्स टेबल्स और बाकी जो चीज़ें उसके ऊपर मूव कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।